नमस्कार, यस टीवी पर इस समय के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। बीडीपीओ ऑफिस के बाथरूम में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला। शव को कब्जे में लेकर अब पुलिस ने इसके बारे में जांच शुरू कर दी है। बुधवार देर शाम को खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय रादौर के बाथरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी। मृतक युवक की पहचान संदीप कुमार निवासी बकाले जिला कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है। थाना प्रभारी रादौर रमेश चंद्र ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक युवक का शव बीडीपीओ ऑफिस के बाथरूम में पड़ा हुआ है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कि बीडीपीओ ऑफिस में एक बाथरूम में एक आदमी पड़ा है और जो जिन्होंने सूचना दी उन्होंने बताया कि भाई पता नहीं बेहोश है या डेड है, तो आप कृपया शीघ्र आगे देखें। तो जैसे ही मैं मौके पर पहुंचा अपनी पुलिस टीम के साथ, तो हमने बाथरूम में आगे देखा तो ये संदीप नाम का लड़का है और गांव बकाली का रहने वाला है, जो कि थाना लाडुआ में पड़ता है, और ये डेड था या बाथरूम में पड़ा था। कितनी उम्र से? उम्र 27 साल है, और जिसकी डेड बॉडी को उठा के सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर भेज दिया गया है। बाकी प्रथम दृष्टि के आधार पर क्या लग रहा है कि क्या इसने कुछ खाया या क्या, वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद पता लगेगा जी। कोई निशान सुना आपने देखा? कोई निशान नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार का शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, ना गले पे ना शरीर पे, और ठीक था। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सही हालात के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए यस टीवी।